सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डिटेल वाला भी होने वाला है। तो आज जो है हमारे फाइनली इंस्टाग्राम फैमिली 100K पूरे हो चुके हैं यार। तो इंस्टाग्राम पे हमारे पास 100K हो चुके हैं यो, तो उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं हम हमारी न्यू बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R की फर्स्ट सर्विसिंग कराने। गाइस अभी तक उसकी कोई सर्विसिंग नहीं कराई और वो इंडिकेशन भी शो कर रही है। कैसे शो कर रही है, क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसी रहती है हमारी फर्स्ट सर्विसिंग, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से घर से निकलते हैं। खड़ी है हमारी बाइक और इसमें ये ब्लू रिबन्स भी लगाए हैं यार। तो देखो ये भी मैले हो चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ गाड़ी शो क्या कर रही है यार। यार इसका जो है ना की बहुत टाइट है, जब से ली अभी थोड़ी सही हो गई है। तो गाइस देखो अभी गाड़ी जो है शो कर रही है हमारी इंडिकेशन लाइट। और अभी दिक्कत ये है भाई, देखो गाड़ी में कम से कम आधा टैंक पेट्रोल होगा। अभी भी ये ऐसा दिखा है, अभी खड़ा करूँगा तो दो डंडे खड़े हो जाएंगे। तो अभी जाते हैं सर्विसिंग करा के आते हैं। ये हालत है हमारी गाड़ी की सर्विसिंग से पहले। होली खेली हुई थी, वो तो मैं साफ़ भी नहीं रहा था, पापा ने कल साफ़ कर दी। पर देखो पूरे इंजन पे और हर जगह जो है गुलाल गुलाल हो रहा है। तो ये अभी कुछ ऐसा है, अब बाद में देखते हैं कैसा होता है सर्विसिंग के बाद, कैसी वॉशिंग करके देते हैं। तो गाड़ी ले आया हूँ और हमारी होने गाड़ी की फर्स्ट सर्विस। तो भैया चेक कर रहे हैं कि गाड़ी कितनी चली है, क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है। गाड़ी यहाँ पे चेक करने के बाद हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, भाई डिटेल चेक कर रहे हैं हमारी गाड़ी की। यहाँ हमारे साथ एक चोट हो गई है। अरे कहना क्या चाहते हो कि यार मैंने वैसे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा हुआ है कि लोग जाके अंदर वीडियो बना रहे हैं सर्विसिंग हो रही है गाड़ी की। बट अभी ऐसा सीन हो चुका है कि यार मुझे जो है कस्टमर वेटिंग एरिया में वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। बट सबसे पहले उन्होंने मेरी गाड़ी लेके गए और गाड़ी को वॉश कर रहे हैं, और वॉश करने के बाद यहाँ पीछे सर्विस करेंगे। तो अपन यहाँ से देखते रहेंगे। और अभी मैं बैठा हूँ हीरो के सर्विस सेंटर के कस्टमर एक्सेस एरिया में। तो यहाँ पे अपन बैठ के वेट करेंगे और यहाँ से देखेंगे हमारी गाड़ी सर्विस हो रही है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। भाई सर्विस एरिया तो अच्छा बना के रखा है। इसी के साथ मेरी नज़र जाती है एक ये इंजन के ऊपर। ये देखो एक मेरे ख्याल से स्प्लेंडर के इंजन का प्रोटोटाइप लगाया हुआ है कि ये पिस्टन है, कहाँ क्या लगा हुआ है। तो ये बहुत शानदार लग रहा है यार। चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यार, उन्होंने मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी नापा कि गाड़ी में रियल टाइम भी कितना पेट्रोल है। एक उनके पास नापने वाला स्केल था और वो भी लिखा है, अदर शोरूम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारी बाइक में। गाइस यहाँ पे चल रही है एक मूवी, सलमान खान और विकी शराब की पगड़ी मूवी। आज तक देखने से देखने में मज़ा आएगा। तो भाई देखो हमारी गाड़ी वहाँ सर्विसिंग पे चढ़ चुकी है और अभी तो बस रखी हुई है, अभी कुछ भी नहीं करा भाई। गंदा काम चालू कर रहा है हमारी गाड़ी में। वैसे ज़्यादा होना कुछ नहीं होता है फर्स्ट सर्विसिंग में, क्या होता है बाद में बताता हूँ। तो भाई हमारी गाड़ी का अभी ऑयल चेंज हो रहा है, हमारी गाड़ी पर काम चालू हो चुका है। सबसे पहले उसमें ऑयल चेंज कर रहे हैं भाई। तो भाई हमारी गाड़ी की ऑयल होने के बाद, ऑयल डालने के बाद, ऑयल फिल्टर चेक चेंज करने के बाद भाई हमारी गाड़ी की पूरी ऑयलिंग कर रहे हैं। और लास्ट में जो है शायद उनको क्लच व्लच चेक कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं। क्लच गाड़ी का टाइट लग रहा है, तो भाई अभी क्लच जो है ढीला कर रहा है और भाई दबाते दिख रहा है कि अपनी गाड़ी का क्लच सही है या नहीं। चेक करा है तो गाइस हमारी गाड़ी की सर्विसिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। पर हमारे साथ एक फ्रॉड होते होते बचा है। भाई ने जो है हमारी गाड़ी में 90 नंबर ऑयल लगा दिया चेन में, जबकि पैसे लुब्रिकेंट के काटे हैं। मैंने भाई से पूछा यार ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने बोला कि लुब्रिकेंट दिक्कत करता है, गाड़ी की चेन आवाज़ करेगी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेरी गाड़ी में लुब्रिकेंट ही कराना है। तो अभी हमारी गाड़ी की चेन क्लीन होने वाली है। करा रहे हैं यहाँ पे हमारा बिल क्लियर। तो भैया हमारा बिल चेक कर रहे हैं कि वहाँ से भी जो भी चीज़ डली है इसमें या कोई भी बिल में करेक्शन है। बाकी मुझे ये वाला जो इंजन है स्प्लेंडर का बहुत शानदार लगा। बाइक हमारी ऑलमोस्ट सर्विस हो चुकी है, तो बाहर जाके उसको भी चेक करते हैं। तो भाई फाइनली हमारी बाइक हो चुकी है सर्विस और वॉश वॉश अच्छे से करके दिए भाई।
अब घर जाके देखते हैं चल गया सर, ये चला के देखते हैं, अभी चला के भी नहीं देखे। और ये रास्ता बिल घर जाके ये भी शेयर करता हूँ कितना बना है। कि हमारी गाड़ी में जो है फाइनली नंबर प्लेट लगने वाली है यार, हमारा नंबर आ चुका है, तो अभी यहाँ पे नंबर लगवा के घर चलते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी के एग्रेसिव लुक्स, इतना बड़ा डिजाइन, और वहाँ खड़ी है राइडर ब्लैक कलर में, तो कहाँ देखो राइडर के लुक्स। राइट, लुक्स में तो हमारी गाड़ी का कोई जवाब है ही नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं बनता इस गाड़ी से। इस गाड़ी का तो लुकाटो लगा तो वो निकाल लिया तुमने, मतलब लग रही है हमारी नंबर प्लेट, नंबर भी दिखाऊंगा। तो गाइस ये हैमर होता है, तो मात्र 15 दिन के अंदर हमारी नंबर प्लेट हमारे हाथों में आ गई है और नंबर प्लेट लग भी गई है। लेकिन सर्विसिंग होने के बाद गाड़ी का वो जो सर्विस वाला शो कर रहा था वो भी चला गया, और गाड़ी में पेट्रोल डलाया भी नहीं है, तीन डंडे शो करने लगे। मैंने बोला था ना आधी टंकी पेट्रोल है इसमें, फिर भी जीरो शो कर रहा था, अब सही करने लगा है। तो चलते हैं अब राइड पर, इसको चला के देखते हैं। फाइनली हम गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करा के आ चुके हैं और हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट भी लग चुकी है। तो हमारा नंबर है 7365, कैसा लग रहा है बताना भाई। और मेरा मन कर रहा है कि ये जो नंबर है इसको अपन MT15 की तरह यहाँ नीचे लगवाएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि मार्क्स पे वो सही लुक नहीं दे रहा है। तो भाई गाड़ी सर्विसिंग हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो मुझे सर्विसिंग में लगी, सर्विसिंग तो काफ़ी अच्छी करके दी है यार उन लोगों ने। तो भाई सर्विसिंग तो काफ़ी अच्छी करके दी है, लुब्रिकेशन देखो भाई इनने करा है, कुछ ऑयली टाइप ही है, और लुब्रिकेशन की वजह से पूरा टायर ख़राब होने वाला है अपना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ, बट ठीक है अंदर भी पूरा ऑयल और वही लुब्रिकेंट हो गया है पूरा, पर गाड़ी सही चल रही है। सर्विसिंग से पहले गाड़ी में कुछ लिटिल वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी, जो कि अब नहीं हो रही है, अभी काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है गाड़ी। और लुक कैसा लग रहा है बताना भाई। वैसे गाड़ी का जो साउंड है वो भी काफ़ी डाइल्यूट हो गया, मतलब काफ़ी सही हो गया है। वैसे फैमिली सर्विस करा के गाड़ी की हम घर आ चुके हैं, गाड़ी हमने चला के देखी काफ़ी सही चल रही है। सर्विसिंग से पहले यार कुछ दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि वही पेट्रोल इशू नहीं कर रहा था सही से, लिटरली हर टाइम नहीं कर रहा था, गाड़ी सीधी कर उसके बाद भी ज़्यादा सही इशू नहीं करता, पर अब पेट्रोल बिल्कुल एक्यूरेट शो कर रहा है मुझे। साथ में गाड़ी में कुछ लिटिल वाइब्रेशन भी फील हो रही थी, क्योंकि हम थ्रॉटल कर रहे थे, बहुत अच्छी चलाई हमने गाड़ी, ऐसी नहीं चलानी चाहिए थी वैसे, बट धीरे ही चलाई, पर गाड़ी में कुछ वाइब्रेशन आ चुके थे जो कि अब गायब हो चुके हैं। साथ में ही गाइस सर्विसिंग में क्या क्या हुआ वो बता देता हूँ। तो सर्विसिंग में फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, हमारी गाड़ी का जो है ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, इस गाड़ी का ऑयल फिल्टर कुछ अलग होता है, एकदम बिल्कुल पन्ने जैसा वो चेंज हुआ है। साथ में गाड़ी का ऑयल चेंज हुआ है, गाड़ी का जो है हमारी चेन क्लीन हुई है, और चेन पे लुब्रिकेशन हुआ है, और बेसिक पूरी गाड़ी को चेक करा है। बाकी उनने चेक करने के बाद हमारी गाड़ी का क्लच भी थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है, पहले जो है गाड़ी एकदम से बंद हो जा रही थी, बट अब वो बंद नहीं हो रही क्योंकि क्लच काफ़ी सही कर दिया है। तो ये हमारा बिल है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ भाई। तो दोस्तों हमें जो है बिल पड़ा है 750 रुपये का पूरा, इनमें जो है सबसे पहले चार्जेस जो है 90 रुपीज़ का जो चार्जेस लिया है इनने वो शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए लिया है, शेड्यूल मेंटेनेंस किट 125 सीसी की कुछ आता होगा भाई, इसमें वो ऑयल क्लीनर डालते हैं और वो सब। इनने ऑयल फिल्टर जो है जो पन्नी जैसा होता है उसका लिया है हमसे 78 रुपीज़। साथ में हमसे जो है चेन ल्यूब 500 ml का लिया है 32 रुपीज़, चेन क्लीन करने के लिए 23 रुपीज़ लिया है, और सबसे बड़ी चीज़ हमें जो है ऑयल डाल के दिया है ये वाला, क्योंकि हीरो का बेसिक ऑयल है, एंड ये जो है 1000 ml का ऑयल जो है हमारी गाड़ी में डाल के दिया है कोई भी, और ऑक्टेन ऑयल डाल के नहीं दिया, यही वाला हीरो का बेसिक ऑयल डाल के दिया है इन्हें। साथ में जो है एक और चीज़ जो हुई थी यार, मेरी गाड़ी में इनने वो चेन में पहले ऑयल लगा दिया था, फिर मैंने पढ़ा था कि लुब्रिकेंट लगाना है, तो उसको क्लीन वीन करके ल्यूब लगाने का पैसा अलग से ले लिया मुझसे, तो 52 रुपीज़ अलग से चार्ज लिया है चेन लुब्रिकेशन का। तो टोटल बिल बनता है हमारा 750 रुपये का, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सही है गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, फर्स्ट सर्विसिंग के लिए।
अरे अरे बिना लाइक करे कहाँ जा रहे हो, जल्दी से लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल गाइज, स्टे ट्यून्ड।